हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। आज हम सीखेंगे बिना याद किए हुए भी कैसे हम स्क्वायर निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है 48, ठीक। 48 का हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्या का स्क्वायर लिख देंगे। 8 अठाई कितना होता है, 64 होता है, यहाँ पे 64 लिखेंगे, ठीक। और 4 का कितना होता है, 4 चौक 16 होता है। 10 तक तो हमें कम से कम स्क्वायर याद ही करना पड़ेगा। अब देखो इस दोनों संख्या को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 8 जो 32 होता है, और 32 का भी दुगना हमें करना पड़ेगा। 32 दुगना कितना होता होता है, 64 होता है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 एक अंक बाद हमें लिखना है छोड़ के, ठीक। 4 यहाँ पे लिखेंगे और 6 4 10 होता है। 6 6 12 12 18 13 और 1, यानी कि 1300 4 हमारा क्या हुआ, 48 का स्क्वायर। अब 55 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 5 का पहले लिखेंगे 55 25, और इस 5 का भी 55 25। अब एक अंक छोड़ के दोनों को गुणा कराएंगे, 55 25 25 का गुणा फिर दूसरा कराएंगे, तो 25 गुना 50 यहाँ पे लिख देंगे। अब एक अंक छोड़ के करना है, दोनों को ऐड करेंगे, 5 यहाँ पे लिख जाएगा और 2 यहाँ पे हो जाएगा, 0 ऐड करेंगे तो 5 5 10 होगा, यहाँ पे लिख देंगे 2 और 1 3, यानी कि 3025 हमारा किसका, 55 का स्क्वायर होगा। अब हमें 98 का अगर निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, दोनों संख्या का स्क्वायर लिखना होगा। 8 2 64, ठीक। 9 9 81, ठीक। अब क्या करेंगे, दोनों का क्या करेंगे, आपस में गुणा करा देंगे। 9 8 72, 72 का भी दुगना, 72 यहाँ पे आया और 72 का भी दुगना हमें करना पड़ेगा। 2 2 2 4 और 7 2 9 144, हमें कितने अंक छोड़ के लिखना है, एक अंक, तो 1 4 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो 4 ये आ जाएगा, 6 4 10 और कितना, 4 1 5 और 8 है, यहाँ पे देखो 4 1 5 5 और 1 6 8 और 1 9, यानी कि 96 104 हमारा क्या, 98 का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप 47 का स्क्वायर निकाल